जो पटाखे जैसे हैं जो वहां से वो छोड़ते हैं, और लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में आके वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें से ये कौन सी ऐसी चीज थी जो कि आके यहाँ पे जी गिरा जी जी हुआ ग्रुप है? कैप्टन झा, ये आप बहुत टेक्निकल डिटेल्स और किस तरीके से मिस किया जा सकता है ऐसे वो जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, एयर वाइस मार्शल कपिल काक और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, सेवानिवृत्त हैं सब, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपसे, एयर वाइस मार्शल काक, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो चीज़ें ग्रुप कैप्टन झा बता रहे हैं हमें, हम इसे कैसे समझें? क्योंकि एयरफोर्स में तो हम ये भी देखते हैं कि टारमैक पर एक शर्ट का बटन भी नहीं गिर सकता है। पूरे अगर हम उस क्षेत्र को, एयरफोर्स स्टेशन को देख लें, तो वहाँ की सुरक्षा तो अव्वल दर्जे की रहती है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो केवल मानव की आंखों के जरिए ही वहां पर डिटेक्ट हो सकती हैं? अगर इस तरह के जरिए, अभी तो एक लो इंटेंसिटी हमने देखा है यहां पर, लेकिन इसके जरिए कोई बड़ी चीज करने की कोशिश की जा सकती थी, हम उसकी तैयारी किस हिसाब से देखें? श्वेता, पहले तो आपकी चैनल में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, मगर आपके प्रश्न जो हैं वो मैंने सुन लिए हैं। तो पहली बात जो है कि पहले एयरफोर्स और वायु सुरक्षा के पहलू से देखें। देखिए, मैं आपको, आपके दर्शकों को 50 साल पहले ले जा रहा हूँ। मैंने ऐसी उड़ानें भरी हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्री टॉप लेवल पे, रात के अंधेरे में, 550 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की स्पीड पे, 300 मील अंदर गए हैं। तो अगर अल्ट्रा लो लेवल ऑपरेशंस हो, वो यूएवी करे या लड़ाकू विमान करे, उसका रेडार उठा, और रेडार भी 24 घंटे नहीं चर्न करता है, उसके भी आवर्स होते हैं। तो मतलब ये पहले देखना है कि इसमें सियासी और सुरक्षा के पहलू से ये क्यों हुआ है, ये देखना है। फिर मिलिट्री में अगर आ जाए, वो तो माइनर एस्पेक्ट, वो इतनी अहमियत नहीं रखते हैं। देखिए, डीजीएमओज की बात हुई है, कोई 120 दिन हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, तो एक तरीके की ट्रस्ट बिल्डिंग की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। जो राष्ट्रीय सलाहकार दोनों साइडों के हैं, वो भी बैक चैनल में हमेशा जुड़े रहते हैं, कोई इस पे कोई रुकावट नहीं आई है। तो फिर ये अचानक से ये क्यों हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है। आप इन टेक्निकल डिटेल्स में नहीं चाहिए कि वो भी आया, फिर कैसे आया, क्या था इसके पास, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, मैंने जैसे मैंने कहा है कि बहुत मुश्किल रहता है मिलिट्री अंदाज से करने का, पर ये किया क्यों है? क्या प्रधानमंत्री के जेएन के लीडर्स के साथ बातचीत के बाद कुछ कहीं सूरत-ए-हाल एक तरीके से नॉर्मल हो रहे हैं, तो कम से कम हम टेंशन बढ़ाएं। तीसरी बात है कि ये एस्टैब्लिश, मुझे पता नहीं है, आपको शायद मालूम होगा श्वेता, कि ये आईईडी इंटरनली एक्सप्लोड हुआ है कि यूएई से ड्रॉप किया है। ये इस पे कोई एक्चुअल ट्रूथफुल सिचुएशन आई नहीं है, तो स्पेकुलेट करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मगर जी एक चीज जरूर है, जो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं, अगर डीजीएमओज की बात हो सकती है, डीजी एयर ऑपरेशंस की भी बात जारी रहनी चाहिए ऐसी सूरत हालों के लिए, क्योंकि डायरेक्टली बात हो सकती है पाकिस्तान के एयरफोर्स के डीजी एयर ऑपरेशन और भारतीय वायुसेना का डीजी एयर ऑपरेशन, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं जैसे हमने पठानकोट में देखा है 5.5 साल पहले, आपको याद होगा, आतंकवाद का हमला हुआ था बेस पे, एयर बेस पे। उस वक्त तो राष्ट्रीय सलाहकार पठानकोट गए थे और पठानकोट से वो ऑपरेशन देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के हमें इस वक्त पहले तो संयम दिखाना है, दूसरा तो एक्टिवेशन करना है दोनों साइडों का, एनएसएस का और डीजीएमओज या डीजी एयर ऑपरेशंस का, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये जी एस्टैब्लिशमेंट का हमला है? मुझे नहीं लग रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का हमला है। क्या वहां से आया है कि या अंदर से ही आंतरिक क्षेत्र से कोई लोग जो नाराज हैं,
नहीं, ये बातचीत वाकई, क्योंकि बातचीत जिस के तरह की जरिए चीजें आप कई बता रहे हैं सर, और उन्होंने वाकई बहुत जरूरी है कि बातचीत इस स्तर पर भी हो। अगर डीजीएमओ के स्तर पर हो सकती है तो डीजीएओ के स्तर पर भी इसीलिए हो क्योंकि अब हमने देखा है कि किस तरीके से 100 दिनों से ज्यादा का सन्नाटा एलओसी पर हो पाया है अभी, जबकि मौजूदा हालात में ये सबको नामुमकिन सा लगता था।